आज ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलदम जमात करार दिया जाएगा, उसके लिए कानून साजी भी की जा रही है। कल जाहिर सी बात है वजीर आजम साहब इत्यादि जमातों से भी मिलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बहुत माजी में इस तरह की चीजों का सामना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई थी इसी खदशे के पेश नजर। पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी सर प्रिसाइजली? सर कोई पहली बात तो यह है कि यह इंतहाई फजूल मफरूजा है, इसकी कोई सदाकत नहीं। अगर किसी ने अपने तौर पर कहा कि इनको बैन कर देना चाहिए तो ये स्टेटमेंट है इनका हुकूमत के अंदर से कहता सर। नून लीग के जितने भी लोग हैं ना हुकूमत में, ये वो कह रहे हैं कि तो दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया उन्होंने, वो तो दहशतगर्द कह रहे हैं वो। अरे यार इमरान खान सारे जहान को दहशतगर्द कहता रहा है, उनकी जमात को किसी ने कह दिया तो वो कह दिया उनके जवाब में जिस जबान से वो बातें। मतलब पीपल्स पार्टी, इस पीपल्स पार्टी इसकी हामी नहीं है ना। सवाल ये है, पहले सुनिए, मेरा सवाल ये है कि कल की एपीसी के अंदर यकीनन इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो बड़े संगीन है, देखने वाले नाजुक हैं, बिल्कुल बड़े परेशान कौन है, लेकिन उसके लिए ये किसने कहा? और जमातें इस तरह पाबंदियां नहीं लगा करती। एग्जैक्टली जमातों को लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। और पीपल्स पार्टी तो खुद इस बात को मानती है। मैं तो इस बात की मेहरबानी करिए, जब तक आपके पास मुसद्दका बात ना हो वो सवाल नहीं होना चाहिए। सर मुसद्दका बात तो ऑनर बोल रहे सर, ऑनर बोल रहे हैं, मुसद्दका बात कर लेते हैं लेकिन जर्नलिस्ट को सवाल करते हुए सर उसकी कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी। सर लेकिन एक बात मैं कहूंगा सर, बुरा नहीं मानेगा, अगर एक चीज आप कह रहे हैं सर तो मैं वो बात रिपीट तो करूंगा ना कि कायरा साहब ने मेरे प्रोग्राम में ये बात बोली। अब मैं उसके डॉक्यूमेंट्स तो लेने नहीं, प्रोग्राम में तो कहा नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ एक जलसे में किसी ने कह दिया। खान साहब रोज कहते हैं फलां दहशतगर्द है, राणा सरदार लोग कहते हैं दहशतगर्द है, वो फलाना ऐसा है, जो बड़ी आला किस्म की गुफ्तगू फरमाते हैं वो भी आप सुनते रहते। ठीक है बिल्कुल, और सवाल हम उनसे भी करते हैं कायरा साहब, सवाल मैं उनसे भी करता हूं, सवाल मैं उनसे भी करता हूं और बहुत सख्त करता हूं। सर थैंक यू सो मच कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरख्वास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पर बोझ ना रहे, केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफ आई आर काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जुदेंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबिया कराम का, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।